हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नए नोटिफिकेशन के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। सरकारी नौकरी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। और आप सभी को पता है कि ONGC आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट की कैटेगरी के अंदर, मतलब कि आपको एक PSU देखने को मिलेगा। और PSU के अंदर जो आपका सैलरी रहता है बहुत ही तगड़ा आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए कि यहाँ पे आपका पोजीशन क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पे ड्राफ्टमैन का वैकेंसी देखने को मिल जाता है, और आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और ये सारी वैकेंसी आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, मतलब कि सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। और आपका जो सैलरी रहेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा 42,000 पर मंथ के अप्रॉक्स आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 42,000 रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, और उसके बाद 1,30,000 रुपये पर मंथ तक आपका सैलरी यहाँ पे वैरी करने वाला है। एंड यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपका अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो मात्र 100 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, EWS कैटेगरी के अंदर या फिर OBC कैटेगरी के अंदर, तो आपको 100 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे SC ST कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन है, PWD कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपया पे नहीं करना, ये फॉर्म आपका फ्री का देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक रिमाइंडर वीडियो रहने वाला है। आप सभी को पता है कि मैं आप सभी लोगों को समय समय पे रिमाइंडर वीडियो देता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरीके हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे तब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और आप अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इवन मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट यहाँ पे रहेगा वो आपका 900 प्लस आपको लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे ताकि आप इससे किसी का टाइम वेस्ट ना हो। वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा ONGC की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। बेसिकली जो वैकेंसी रहेगा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ONGC का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। PSU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट यहाँ पे आपका रहेगा। साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट रहेगा आपका वो आपका नॉन मैनेजमेंट कैडर के अंदर वैकेंसी आपका देखने को मिल जाता है। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है, और रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि पूरा एक चार्ट मेंशन है, सीरियल नंबर दे रखा है, डिसिप्लिन क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, आपका ग्रेड क्या रहेगा, आपका नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। और यहाँ पे जो आपका एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है जो कि आपका डेट के अकॉर्डिंग काउंट होगा, 20 जून 2023 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एज काउंट होने वाला है, तो इस चीज का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल डिपार्टमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, ड्राफ्टमैन का डिपार्टमेंट रहेगा, और सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेड का ध्यान रखिएगा कि आप जब अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका रहेगा UR और EWS का रहेगा 28 साल। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं जैसे कि OBC कैटेगरी में आते हैं तो 31 ईयर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट है तो 33 ईयर तक, और PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का, 13 साल का और 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को
मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि मैं वही पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा केमिकल का, उसके अंदर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पेट्रोकेमिकल के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलीमर इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, डिप्लोमा इन रिफाइनरी इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा है उसके अंदर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया आपका ध्यान रखना आपको जरूरी है। जैसे कि अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपका 60% यहाँ पे होना जरूरी है, 60% होना चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आपका 50% यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इतने परसेंटेज यहाँ पे होने जरूरी हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वो आपका 2 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है, किसी भी कंपनी में काम कर रखा है और आपने 2 साल तक पूरे काम किए हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे लगा के एक सरकारी नौकरी यहाँ पे पा सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ। इलेक्ट्रिकल के अंदर बात की जाए तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ, मतलब कि अगर 60% होने चाहिए यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, 50% होने चाहिए यहाँ पे एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर, तो 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर 60% के साथ यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो, और वहीं अगर आप 50% हैं आपके एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 साल तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपने बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में कर रखा है, या फिर अगर आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कर रखा है, पॉलीमर केमिस्ट्री में कर रखा है, अप्लाइड केमिस्ट्री में कर रखा है, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% यहाँ पे आपको होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। ड्राफ्टमैन का वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो 3 साल का यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया मैकेनिकल के अंदर ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए 60% के साथ, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको सेक्रेटरी का, जिसमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है कमर्शियल प्रैक्टिस के अंदर 60% के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% मांगे यहाँ पे यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए यहाँ पे एसएसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगा 1 साल तक जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 25,000 रुपये रहेगा, उसके अंदर आपका अलाउंस ऐड होगा। उसके बाद जो आपका सैलरी रहेगा 45,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये एक सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए सरकारी नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहता है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा रिटन टेस्ट रहेगा, मतलब कि आपका सीबीटी एग्जाम होगा उसी के बेस पे सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जा सकता है, जो कि कंपनी डिसाइड करेगी। अब बात कीजिए पेपर पैटर्न के बारे में, तो जो आपका यहाँ पे आपका स्किल जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका 120 मिनट का रहेगा, मतलब कि आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा और 120 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट बी के अंदर आपका डिसिप्लिन आएगा, जिसमें जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है बीएससी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। एंड यहाँ पे आपका 1 मार्क्स आपको 1 क्वेश्चन का मिलेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि आप सारे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे टेस्ट जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सबसे बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे आपका रिजर्वेशन जो रखा है उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे रिटन टेस्ट के जो सेंटर रहेंगे वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका का ही देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको कर्नाटका जाना पड़ेगा और अपने रिटन टेस्ट को यहाँ पे देना पड़ेगा, सीबीटी एग्जाम को आपको देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो अप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपका अप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये रहेगा, उसके अंदर आपका 18% जीएसटी ऐड होगा, तो आपको 118 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 118 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर आप एसएसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर यहाँ पे जो ONGC के एम्प्लॉय हैं, जो कि आपका MRPL के एम्प्लॉय हैं, तो आपको या फिर एक सर्विस मैन है तो आपको 1 रुपये यहाँ पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्टली मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
पूरा प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अप्लाई जैसे आपने कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वो उन्होंने सारी चीज़ें बता रखी है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है, ठीक है। प्रिंटआउट निकालने के बाद पेमेंट कर देना है, प्रिंटआउट निकाल लेना है। प्रिंटआउट निकालने के बाद आपको जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन कर रखा है इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ध्यान रखिएगा ये जो एड्रेस दे रखा है इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे भेजना पड़ेगा। एक इनवॉल्व में बंद करके यहाँ पे आपको सेंड कर देना है, ये टॉप पे एड्रेस आपको लिख देना है। और मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर वीडियो पहले क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसका तारीख तो 20 तारीख है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं, किसी मतलब कि दूर जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्नाटका भेजना पड़ेगा, जैसे कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो समय लगता है, तो इसलिए मैं आपके लिए पहले रिमाइंडर वीडियो लेके आया हूं। तो यहां पे आप भेज दीजिएगा और यहां पे पहुंचने का जो लास्ट डेट रहेगा 20/6/2023 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इनवॉल्व में बंद करा है वो यहां तक पहुंच जाना चाहिए, तो इस चीज का आपको यहां पे ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहां पे बात की जाए, बाकी पूरा पेपर पैटर्न बता रखा है, इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा उसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और जिसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा 16/6/2023, मतलब कि 16 जून 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। और हार्ड कॉपी वहां पे पहुंचने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 20 जून 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगा। 20 तारीख तक आपको यहां पे पहुंच जाना चाहिए, 16 तारीख तक आप उसको अप्लाई कर देने चाहिए ऑनलाइन। 16 तारीख के बाद अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि अप्लाई नहीं होगा। और जिसका डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट रहेगा वो आपको वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।